छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में जवानों ने दो महिला नक्सली समेत छह नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों के शव और हथियार जवानों ने बरामद किए। मुठभेड़ में मारे गए छह नक्सलियों में से चार की शिनाख्त भी हो गई है। बीजापुर SP जितेंद्र यादव और बस्तर रेंज IG सुंदरराज P ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की है। IG सुंदरराज ने बताया कि बासागुड़ा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत चिकूर भट्टी और पुष्पका गांव के जंगलों में सुरक्षा कर्मियों की एक संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी और इसी दौरान सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के प्लाटून नंबर 10 के बीच में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने दो महिला नक्सली समेत छह नक्सलियों को मार गिराया। घटनास्थल से दो महिला और चार पुरुष नक्सलियों के शव बरामद किए गए। मुठभेड़ में छह नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। कुछ परसों जो तीन ग्रामीणों की हत्या नक्सलियों ने कर दी थी, उसी के सर्चिंग में टीम गई हुई थी और उस मुठभेड़ में छह नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं, ये कंफर्मेशन आ चुका है। करंट स्टेटस तो शव बरामद हो चुका है, सर्चिंग आगे जारी। दिनांक 27 मार्च को जिला बीजापुर के बासोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत चिकुरकुट्टी इलाके में माओवादियों का उपस्थिति के सूचना पर हमारा DRG टीम CRPF एवं कोबरा का संयुक्त पार्टी ऑपरेशन के लिए रवाना हुआ। सुबह लगभग 8 बजे के आसपास एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, उसके पश्चात सर्चिंग के दौरान छह माओवादियों का डेड बॉडी मिला। इनमें से दो महिला है और चार पुरुष है और काफी बड़ी मात्रा में वेपन्स और एक्सप्लोसिव मटेरियल और माओवादियों का कम्युनिकेशन सिस्टम और उनकी डेली यूज आइटम्स पर अभी रिकवर हुआ है। अभी आसपास इलाके में लगातार सर्चिंग जारी है। सर्चिंग के उपरांत और विस्तार से डिटेल प्राप्त हो सकता है। अभी सुरक्षा बल के सभी साथी सुरक्षित है और आसपास इलाके में और री एनफोर्समेंट टीम्स रवाना की गई।